हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने देश को लूटा उन्हें लौटाना होगा। जी हां, लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने भी देश को लूटा है उन्हें लूटा गया धन लौटाना होगा। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, हमें इससे लड़ना है। बैंक लूटने वालों की संपत्ति जब्त हो रही है, परिवारवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। फ्री कॉलिंग सुविधा के साथ अब 1.35 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। जी हां, राजस्थान के 2022 के बजट में राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। तो वहीं अब सभी 1.35 करोड़ जन आधार कार्ड धारक महिलाओं को फोन दिए जाएंगे। अगले साल की शुरुआत से फोन मिलने की संभावना है। इसमें हर महीने 20 GB डेटा के साथ ही फ्री कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। महंगाई से जूझते कामगारों को टैक्स में राहत देगी जर्मन सरकार। जी हां, कोरोना और रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते जर्मनी में जुलाई महीने में महंगाई दर बढ़कर 7.5% हो गई। इससे कामगारों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ गया है। अब इन्हें राहत देने के लिए सरकार ने 10 अरब यूरो की योजना का ऐलान किया है। इसमें जर्मनी में सालाना 60,000 यूरो कमाने वाले लोग 470 यूरो बचा सकेंगे। कुछ भी सर्च करना हो तो युवाओं को गूगल के बजाय टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर है भरोसा। जी हां, युवा अब गूगल के बजाय टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर भरोसा जता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 24 साल के 40% लोग कोई जगह या रेस्तरां सर्च करने के लिए टिकटॉक या इंस्टाग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। युवाओं का कहना है कि गूगल पहले जैसा अब नहीं रहा है, कुछ भी सर्च करने पर सिर्फ विज्ञापन दिखाई देते हैं। फोन उठाते ही हेलो नहीं वंदे मातरम बोलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान। जी हां, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री बनने के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब सरकारी कार्यालयों में फोन पर हेलो बोलने की बजाय वंदे मातरम बोला जाए। उनका कहना है कि हेलो जैसे शब्द विदेशी हैं, ऐसे में इन शब्दों का त्याग करना जरूरी है। समीर वानखेड़े ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में मानहानि का केस दर्ज कराया है। यह केस उन्होंने महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद दर्ज कराया है। बता दें कि वानखेड़े इन दिनों चेन्नई में तैनात हैं। छड़ी मुबारक पूजन और विसर्जन के साथ अमरनाथ यात्रा का हुआ समापन। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में रविवार को लिड्डर नदी के तट पर छड़ी मुबारक पूजन और विसर्जन के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया है। वहीं इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3,65,000 भक्तों ने पवित्र गुफा तक पहुंचकर हिम शिवलिंग का दर्शन किए। बता दें कि 2016 के बाद से भक्तों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।